टेंथ एग्जाम्पल नंबर 13 स्टैटिक्स, ठीक, इसके अंदर माध्य माध्यक और एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत इजी एग्जाम्पल है लेकिन इंपॉर्टेंट है समझने में, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमको वर्ग अंतराल के बाद जो बारंबारता दे रखी है वहां पर दो बारंबारता मिसिंग है एक्स और वाई के रूप में दी हुई है, तो हमें पता लगाना है एक्स और वाई क्या है। बहुत आसान है, अपने नॉर्मल रूल्स फॉलो करो और इजी तरीके से क्वेश्चन निकल आएगा। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर माध्यक पहले से ही निकाल रखा है और कुल योग भी पहले से ही निकाल रखा है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कुल योग को एन बोलते हैं, ठीक, और माध्यक पहले से ही निकाल रखा है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक, शुरुआत करते हैं। वर्ग अंतराल ये रहा, बारंबारता रही, तो हमको बारंबारता के बाद निकालनी होती है सीएफ, और सीएफ कैसे निकलती है कि पहली बारंबारता को ऐसे ही रखें और बाकी सबको जोड़ें, तो 2 और 5 7, 7 और x 7 प्लस x, 7 प्लस x और 12 बोलो 19 प्लस x, 19 प्लस 17 बोलो 36 प्लस x, 36 प्लस x 20, 56 प्लस x, उसके बाद y, 56 प्लस x प्लस y, नेक्स्ट 56 प्लस 9 65 प्लस x प्लस y, फिर 65 प्लस 70 72 प्लस x प्लस y, फिर +4 तो 76 प्लस x प्लस y, ये आया हमारा कुल टोटल एंड में। और एक बात कि हमको टोटल कितने वर्ड दिया, 900 दिया हुआ है, तो 76 प्लस x प्लस y = 200 पहले से ही गिवन है, तो 76 यहाँ प्लस उधर जाकर माइनस, तो x + y = 200 - 76, जो कि हमारा आता है x + y = 24। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 बोलकर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हमारा माध्यक जो हमको दिया हुआ है 525, उसको हम सर्च करेंगे कि वो हमारी बारंबारता में कहाँ आ सकता है, वर्ग अंतराल में, सॉरी, तो 525 आ सकता है हमारा 500 और 600 के बीच में, यही पॉसिबल है, तो उसके ठीक सामने वाली इस पूरी लाइन को हम कंसीडर करेंगे। आपको एक बात याद होगी कि जिस लाइन को हम कंसीडर करते हैं सीएफ में, उसके ठीक ऊपर वाले को हम सीएफ लेते हैं, तो ये हमारा हो गया CF = 36 + x, ठीक है, एफ हो गया हमारा 20, एन बाय टू हमारा हो गया 100/2 = 50, मतलब 25 = 0, समझ गए, 25 = 10 0 हो गया, तो 50 आ गया हमारा। लोअर लिमिट हमारी क्या होगी 500 और 600 के बीच में, 500 और h, मतलब डिफरेंस वर्ग अंतराल के बीच का अंतर सब में आप देख सकते हो 100 का है, तो 100 आ गया। तो कुल चीजें हमारे पास हैं, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन करते रहो आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला है L + n/2 - CF / f · h, ठीक, और ये माध्यक का फॉर्मूला है, तो माध्यक हमें पहले से निकाल रखा था 252, एल के लोअर लिमिट 500, प्लस एन बाय टू कितना है 50, माइनस सी एफ कितना है 36 प्लस एक्स अपॉन में एफ कितना है 20 और एच है 100, ठीक। नेक्स्ट, 525, 500 हमारा प्लस में होता जाकर माइनस हो जाएगा, तो 500 माइनस इक्वल्स टू 50 में से 36 माइनस होगा, कितना बचा 14, मतलब 14 एक्स अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100। एक चीज आप याद रखना कि यहां पर माइनस क्यों आ गया, प्लस का माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ब्रैकेट में था जब हमने लिया था, 36 प्लस एक्स ब्रैकेट में था, जब ब्रैकेट खुला तो माइनस ने इसको माइनस किया और प्लस को भी माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहां पर फोकस करें 14 माइनस एक्स, ठीक, यहां पर कितना बचा हमारा 25, 14 माइनस एक्स, 20 से काटो 100 को, कितना हुआ बोलो 5, 25 जा 100, ठीक, अब 5 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होती है तो दोनों तरफ होती है, तो 14 5 जा 70 माइनस एक्स इंट एक्स की जो मल्टीप्लाई 5 से होगी 5 से होगी तो 5x, ठीक है, अब क्या होगा 70 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, 5x = 70 में से 25 गया 45, x = 45/5, क्यों 5x मतलब 5 × x, यहाँ गुणा में उधर जाकर डिवाइड भाग, तो 5 9 = 45, तो x मेरा आ गया 9। अब इसको इक्वेशन 1 में रख दो जहाँ पर हमने निकाला था क्या x + y = 24, अब यहाँ पर x का मान रखो 9 + y = 24, एक्स प्लस का 9 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 24 में से 9 माइनस होगा, और तो y मेरा कितना आ गया 15, और आपकी जो मिसिंग नंबर्स थे x और y दोनों की वैल्यू आ गई और क्वेश्चन खत्म हुआ। ओके।